ऐसा लगता है अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। फाइनली 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 ये है जी सबसे बड़ी टॉप। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about you. Hey guys, good morning. This is your vlogger, your Dipanshu. Welcome to the another new vlog video. आज मैं मेरी फैमिली को लेके जा रहा हूँ आमेर किला और जयगढ़ किला। वहाँ तक जाएंगे, आमेर जाएंगे एक बस लेकर और अभी मैं हूँ बड़ी चौपड़ बस लेने के आया हूँ। यहाँ से बस करेंगे और फिर जाएंगे यहाँ से करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू और देखते रहिए ब्लॉग को लगातार। यहाँ पर बड़ी चौपड़ से बाहर निकलेंगे बाद में। हमें यहाँ पर बस मिल चुकी है और बस में सारे बैठ चुके हैं और ये बस भरने के बाद में पूरी जब भर जाएगी तब चलेगी यहाँ से आमेर के लिए। और आमेर आई थिंक यहाँ से ना तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता है, 20-25 मिनट लगेगी यहाँ से जाने में। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपने आमेर फोर्ट के अंदर। तो अभी यहाँ से फिर चढ़ाई शुरू है, जैसे नाहरगढ़ में चढ़ाई शुरू करी थी, लेकिन इतना यहाँ पर चढ़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा जैसे ऊंची चढ़ाई नहीं है, इतनी नॉर्मल रास्ता सही है तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। सो अभिषेक ब्रो एक्सप्लेन अबाउट द जर्नी। थोड़ा ऊंचा बोला कर। नए यात्रियों से पूछेंगे पहली बार है ये, नए यात्रियों से पूछेंगे। बाकी तेरे को पता ही है कैसा अपन सेकंड टाइम अपना अपना तो बस सब कुछ सेकंड टाइम हो चुका है, बाकी नॉर्मल सा लगता है हर किसी। तो घर सा लगता है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। पिताश्री कैसा रहा जर्नी? सही चल रही है? इधर देखो सही चल रही जर्नी? कोई सांस तो नहीं चढ़ रहा? थकावट तो नहीं हो रही? Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. तो आमेर फोर्ट के अंदर मैं पहुंच चुका हूं और ये हमने यहां से टिकट ले ली है आमेर फोर्ट की 6 जनों की, 4 नॉर्मल और बाकी 2 स्टूडेंट। आपको बताइए मतलब अब यहां पर जो है प्राइजेस थोड़े इंक्रीज़ हो चुके हैं टिकट का, मतलब कि 100 रुपीज़ कर दिए हैं इंडियन टूरिस्ट के और 20 रुपीज़ वही अपने स्टूडेंट के लिए तो उतना ही है। तो यहाँ पर अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर इतनी अच्छी मतलब इमारत देखने को मिल जाती है, बिल्डिंग जो है यहाँ पर से दीवान आम जो देखने को मिलता है, ये है दीवान आम और दीवाने खास आपको अंदर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली पहले आया हुआ हूँ, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था तब आया था, लेकिन उस समय क्या था कि उस समय मैंने मतलब किया नहीं था यहाँ पर आके ब्लॉगिंग वगैरह, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था इसलिए। बाहर आपने देखा था दीवाने आम और अंदर आने के बाद यहाँ पर देखने को मिलता है दीवाने खास। दीवाने खास मतलब सच में मतलब उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है और दिखने में मतलब कांच से है, शीशे लगे हुए हर जगह, तो ये और उससे बेटर लगता है। और यहाँ पर ये गार्डन छोटा सा और उसके पीछे जो साइड में दिखता है आपको जयगढ़ फोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर कम्प्लीटली हर जगह मिरर ही मिरर देखने को मिलते हैं लाइक और ये रहा मैं। सो दैट इज़ द जयगढ़ फोर्ट और यहाँ से मतलब ऊपर जाने के बाद में और ऊपर जाएंगे तो अभी इस समय आमेर में है और इसके बाद फिर ऊपर चढ़ाई करके जाना पड़ता है वो सारा ये जो है सारा ये है जयगढ़ फोर्ट। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. मध्यकालीन किलों में महिलाओं के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सुरंग बनाई जाती थी जिसका उपयोग सुरक्षा तथा महल के गुप्त रूप को प्रवेश में निकास हेतु किया जाता था। आमेर महल के पश्चिमी भाग में स्थित यह सुरंग जयगढ़ किले तक जाती है। यह 2000 years later.
नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि के कारण यहाँ पर भी मतलब ऐसा भंडारा वगैरह चल रहा है और कीर्तन वगैरह किया जा रहा है। मैं अभी अमेर फोर्ट जो है, मतलब अमेर फोर्ट जो है उसको हमने पूरा कम्प्लीटली ट्रैवल कर लिया है और अभी यहाँ से जाएंगे जैगर फोर्ट और अब वहाँ से ट्रैकिंग शुरू करते हैं। यहाँ से ट्रैकिंग करेंगे और जैगर फोर्ट तक जाएंगे, तो अभी उसका रास्ता देखते हैं। तो मित्रों, अमेर फोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और अब अमेर फोर्ट से जाएंगे जैगर फोर्ट, उसकी भी ट्रैकिंग है। तो यहीं से उसका रास्ता है अमेर फोर्ट से ही, तो यहीं से निकलते हैं, करते हैं फिर से उसकी ट्रैकिंग शुरू। तो यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है और ये है पूरा व्यू आसपास का जो महल से दिखता है। हाँ तो मित्रों, अभी फाइनली एंटर हो चुके हैं जैगर फोर्ट के अंदर और यहाँ पर हमने मतलब ऊपर आके पहले तो पानी पिया, रेस्ट किया कुछ देर और रेस्ट करने के बाद में हमने खरीदी टिकट। तो वो टिकट यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर हमने टिकट खरीदी। तो सबसे पहले होंगे इस गेट से एंटर, यहाँ अंदर जाने के बाद हमें देखने को मिलती है कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो पुराने समय की है, जो महाराजा के समय की है, तो वो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। अंदर आने के बाद ना बस एक ही चीज़ है जो सबसे अच्छी और सबसे प्यारी लगती है, वो है बहुत ही ज़्यादा शांति। मतलब इतनी शांति वैसे होनी तो नहीं चाहिए जिस हिसाब से मतलब ये महल है और है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। मतलब पहले तो लोग काफ़ी देखने को मिलते थे, जब मैं पिछली बार आया था तब तो लोग बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा लोग घूमने के लिए आए हुए थे, तब वो शायद वीकेंड था तब इसलिए ज़्यादा थे तो, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पर। सो अंदर ये है वो कक्ष, वो रूम जहाँ पर राजा महाराजा मंत्री जो लोग खाना खाया करते थे, तो उस प्रकार से उनको सजाया गया, इनकी थालियों को सजाया गया कि इसमें क्या कुछ खाते थे, वैसे पहनावा कैसे बैठते थे, वो कम्प्लीटली यहाँ पर दर्शाया गया, तो वो सब भी अपने को देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप पीछे देखो तो ये रियल फ़ोटो है जहाँ पर ये बैठ के कैसे खाना खाते थे और कैसे कैसे सब पूरा वहाँ पर इसकी डिट्टो कॉपी करने की मतलब बता के दिखाया गया। दिस इज़ द किचन, जो मतलब कि जहाँ पर खाना बनता था उस तरीके से बताया गया, शायद आपको दिख जाए अगर ये, तो इस तरीके से बताया गया कि खाना कैसे बनता था और मतलब खाने बनाने वाले लोग कैसे थे। डाइनिंग हॉल था राज मतलब पुरुषों के लिए और लेडीज़ के लिए था, यहाँ पर भी सेम लेडीज़ के लिए भी सेम था, लेकिन लेडीज़ ही मतलब यहाँ पर इनको सर्व करती थी और लेडीज़ ही यहाँ पर सारी जो शाही औरतें थी यहाँ की वो यहाँ पर आके भोजन करती थी। इस सब इस समय तो ना मतलब पूरे जयगढ़ के अंदर तकरीबन 10 लोग मुश्किल से होंगे, पूरे 10 लोग भी, पांच अपने हो गए और पांच जगह से कोई और आए होंगे अगर होंगे तो, बाकी जिनकी ड्यूटी है पांच, बाकी पूरा जयगढ़ खाली पड़ा है हमारे किला भाई हमारे किला। और ये है कंप्लीट व्यू, मतलब सबसे टॉप पे आने के बाद, जैगेट फोर्ट पे आने के बाद सबसे ऊपर ऊपर ये है कंप्लीट। मोस्टली यहाँ पर वेडिंग शूट करने के लिए आते हैं लोग, ये बीच में यहाँ पर खड़े के फोटो करवाते हैं, तो पीछे फ्रेम बन जाता है उसका और पीछे पहाड़ आए थे तो उसका वेडिंग शूट बन जाता है। जैकेट से यहाँ से आपको दिख जाता है आमेर किला, लाइक आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपने देखा था यहाँ से हमने एंट्री करी थी, जो ये गेट दिख रहा आपको यहाँ से एंट्री करी थी और यहाँ से फिर पूरा घूमे थे और अभी इस रास्ते से होते हुए अपन आ गए जैगर फोर्ट में। तो मित्रों, जैगर किले के जो मेन चीज जहाँ पर देखने के लिए आए थे, तो वो सामने आपको हट दिख रही होगी एक, उस हट के अंदर है मेन बड़ी तोप, वही देखने के लिए इतनी देर से मथा मार रहे थे, इधर उधर गर्मी में घूम रहे हैं।
फाइनली ये है जी सबसे बड़ी तोप जयगढ़ फोर्ट की, सबसे बड़ी तोप जयवन तोप। हाथियों की मदद से इसको ऊपर लाया गया था। तो गाइस जयगढ़ किला पूरा देख लिया है, तोप भी देखा है, जो बड़ी जयवान तोप थी वो भी देख लिया है। कम्प्लीटली जो जयगढ़ किला है वो कम्प्लीट अब टूर पूरा हो चुका है। अब वापस जाएंगे आमेर किला और फिर मतलब यहाँ से आमेर जाना पड़ेगा नीचे किले में और फिर वहाँ से फिर एग्जिट कर लेंगे अपन। तो अभी यहाँ से ऐसे होते हुए मतलब ज़िगज़ैग सा रास्ता होते हुए और फिर वहाँ तक पहुँचना है और फिर वहाँ से फिर नीचे की ओर जाना है। ये था जयगढ़ किला, यहाँ से नीचे आए। सारे टूर एंड ट्रेवल्स यानी कि जितने भी फोर्ट थे, आमेर फोर्ट और ये जयगढ़ फोर्ट, इन दोनों घूम लेने के बाद में, चंगी तरह थक हार जाने के बाद में, अभी व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नए व्लॉग के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone